हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं लीब्रा यानी तुला राशि के लिए अगस्त 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। और ये रीडिंग सभी के लिए होगी जो सिंगल है, मैरिड कपल्स हैं, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग और मैसेजेस होंगे। यहाँ मैं कार शफल करूंगी, आप चाहें तो कार की शफलिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टंस पे जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टैरो के साथ स्टार्ट करते हैं लीब्रा आपके लिए। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर यहाँ टैरो डेक के साथ देखें आपके लिए, यहाँ रीडिंग में फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ, यानी मेष राशि सिंह राशि धनु राशि के आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। और ये पर्सन जो है वो काफी फायरी एनर्जी कैरी करते हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत यूथफुल हैं और बहुत गोल ओरिएंटेड हैं। जिस चीज को सोच रहते हैं उसे हासिल करके रहते हैं, इस तरह के ये पर्सन हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लिए इस तरह के पर्सन आ सकते हैं। और जो आपके पार्टनर हैं, अगर आपके मैरिज पार्टनर हैं या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, वो आपके पार्टनर काफी पैशनेट आपको लेकर फील करने वाले हैं और इस रिश्ते को लेकर वो स्टैंड लेने के लिए तैयार है, आपके लिए लड़ने को तैयार है, काफी कह सकते हैं स्ट्रेंथफुल बनने को तैयार है। नाइट एनर्जी ये बताती है कि वो आपके लिए कोई भी इश्यू सॉर्ट आउट कर देंगे, इस तरह की एनर्जीज उनकी रहने वाली है। और अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं तो आपके लिए इस तरह की एनर्जी वाले कोई पार्टनर आ सकते हैं जो आपको पाने के लिए, या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अगर स्टार्ट होता है तो वो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस तरह के फायर साइन वाले पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ से आया है क्वीन ऑफ वांड्स। तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ से भी फायर साइन की एनर्जी आई है, एरीज लियो सैजिटेरियस साइन फिर से वही आए हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, वो चाहते हैं आप उनके भविष्य में भी उनके पार्टनर रहें, यानी वो एक कमिटमेंट की तरफ आगे देखते हुए दिख रहे हैं। और एक फ्यूचर प्लान आपके लिए कह सकते हैं उनके मन में चलता रहेगा, या अगस्त के मंथ में इस तरह की उनको फील आएगा कि आप उनके लिए पोटेंशियल पार्टनर हैं या द वन पर्सन हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं अभी, और ये जो आपके पार्टनर हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा लीब्रा, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ लीब्रा के पार्टनर जो हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, वो मैरिड हैं, पर फिर भी वो आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपको उनकी लाइफ में होना ही चाहिए, इस तरह की एनर्जीज वो रखने वाले हैं। और काफी लग्जरी आप लोगों की लाइफस्टाइल रहेगी, दोनों फायर साइन की एनर्जीज यहाँ आई है। तो काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि फायर साइन को आप काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं लीब्रा। यहाँ से अगर कार्ड देखें तो कार्ड आया है फाइव ऑफ वांड्स का। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि काफी कंपटीशन है फ्रेंड्स, हो सकता है आपका किसी पे क्रश है और उनके अराउंड काफी लोग हैं, पर यहाँ आपकी भी एनर्जीज ऐसी है कि आप भी फाइट करने को तैयार रहेंगे और इस कॉम्पिटिशन को आप विन करेंगे और काफी एफर्ट्स भी आपको लगाने पड़ सकते हैं, पर विक्ट्री आपके हिस्से में लिखी है, ये अच्छी बात आपके लिए हो सकती है। और यहाँ से भी फायर साइन की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। और यहाँ आपका जो कह सकते हैं हिम्मत करेज जो है वो आपको बहुत कुछ दिलवाएगा। तो अगर किसी रिलेशनशिप में अगर इश्यूज फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है या कुछ लोग उनके अराउंड हैं, तो उसके लिए आप चार्ज लें, उसमें आपकी विक्ट्री लिखी है और गिव अप ना करें सिचुएशन से, इस तरह का यहाँ मैसेज और गाइडेंस है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है फोर ऑफ सॉर्ड्स, पर ये रिवर्स में आया है तो ये एक अच्छा कार्ड आपके लिए माना जाएगा, या कहें कि सपोर्टिव कार्ड आपके लिए माना जाएगा। लीब्रा आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ, यानी मिथुन तुला और कुंभ उनकी राशियां हो सकती है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप काफी नाइटमेयर्स वगैरह फेस कर रहे थे, रातों को जाग रहे थे, ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन थी। काफी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन जैसा आपने फेस किया, कुछ लोग डिवोर्स हो सकते हैं और कुछ लोग ऐसा है कि ब्रेकअप से होकर गुजरे, या कुछ मनमुटाव जैसी स्थितियां थी आपस में, रिश्तों में कुछ खींचतान चल रही थी और इसी वजह से आप लोगों का बातचीत बंद हुआ हो सकता है, रिसेंट पास था। पर अब ये कार्ड आया है रिवर्स में तो ये एक अच्छा कह सकते हैं सपोर्टिव सिग्नल आपके लिए बन सकता है, यहाँ सपोर्टिव कार्ड बन गया है। तो यहाँ ये स्थिति आपके लिए एंड होने वाली है अगस्त के मंथ में, यानी आप इस एंजाइटी डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर निकलने वाले हैं और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करेंगे, जैसा
द व्हील ऑफ फॉर्चून का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है फ्रेंड्स। लक आपको काफी फेवर करने वाला है लव लाइफ में। अगर आप मैरिज प्रपोजल्स देखना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप के लिए ट्राई करना चाहते हैं, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सभी के लिए बेहतरीन समय है लिब्रा। आप मैनिफेस्टेशन को जारी रखें, या अगर आप किसी पे क्रश रखते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के थ्रू ला सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जरूर ट्राई करें आप, और यहाँ अपनी प्रेयर्स दुआ को कंटिन्यू करें। आपके लिए लक काफी आपके साइड रहने वाला है, जैसा आप चाहते हैं आपके लिए वैसा हो पाएगा। और व्हील का कार्ड ये बताता है कि आप एक सर्कल को पूरा करके एक नया सर्कल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। स्पेशली अगस्त के मंथ में आप एक नए जीवन चक्र में प्रवेश करेंगे और पॉजिटिव चेंज आपके लिए डेफिनेटली लिखा हुआ है लिब्रा। और यहाँ कार्ड आया है द लवर्स का, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है आपके लिए फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है कि प्यार की बारिश होने वाली है लिब्रा आपके लिए। काफी लवी दवी मोमेंट्स आप अपने पार्टनर के साथ देखने वाले हैं। अगर आपका रिलेशनशिप है या आप मैरिड हैं तो बहुत नजदीकियां बढ़ने वाली है आप लोगों के रिलेशनशिप में। एंजल ब्लेसिंग भी आपके साथ है, और यहाँ ये कार्ड जो है वो एक एडल्ट लव की भी बात करता है। तो आपका अगर आपके पार्टनर से फिजिकल डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो वो दूरियां खत्म हो जाएगी और आपके पार्टनर आपके साथ एक डीप इंटेंस रोमांटिक कनेक्शन बनाने वाले हैं। और ये कह सकते हैं एक एडल्ट लव की बात करता है, और वहीं इमोशनल लव के साथ साथ फिजिकल लव की भी बात करता है। तो यहाँ आपके पार्टनर जो हैं वो काफी पैशन आपको लेकर फील करेंगे, बहुत डीपली आप में इन्वॉल्व रहना चाहेंगे, काफी अट्रैक्शन उनको आपसे फील होगा। और कुछ लिब्रा के लिए ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं जेमिनी के साथ, यानी मिथुन राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, और जो सिंगल हैं उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं अपने, या सॉलमेट पे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये आप एक कंपेटिबल होंगे सॉल लेवल, माइंड लेवल और बॉडी लेवल पे। और काफी कह सकते हैं एक इनसे मिलते ही आपको एक डीप इंटेंस कनेक्शन फील होगा, और ये पर्सन काफी ब्यूटीफुल होंगे। अगर ये बॉय होंगे तो काफी हैंडसम होंगे, लविंग केयरिंग और रोमांटिक पर्सन होने वाले हैं। और यहाँ आपके लिए बहुत कह सकते हैं लव लाइफ में लवर्स कार्ड ये बताता है कि बहुत चीजें आपके लिए बैलेंस होगी, कंपटीशन हो या अभी तक जो एंजाइटी डिप्रेशन नो कॉन्टेक्ट था वो खत्म हो सकता है, और एक रिलेशनशिप बैलेंस में आता हुआ आपके लिए दिख रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ अगर हम देखें द विजडम ऑफ हिडन रिलीम ऑरेकल डेक से आपके लिए कार्ड आया है द लेडी ऑफ द मिरर का। तो यहाँ आप लोग मिरर सॉर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में जरूर हैं। यहाँ 44 नंबर आया है, मास्टर नंबर आया है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप फेथ रखें गॉड पे, ट्रस्ट करें यूनिवर्स के डिवाइन प्लान पे, और आप जल्दी से गिव अप ना करें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लेंगे। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने काफी टाइम से वेट किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लोटस फ्लावर है और रिफ्लेक्शन ये देख रहे हैं। तो आप अगर अपने मिरर सॉल से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, या अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आगे बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखें, आपके लिए बहुत कुछ मैजिकल तरीके से ठीक होने वाला है। क्योंकि 44 नंबर ये श्योरिटी दे रहा है कि आप बहुत जल्द अपने पार्टनर के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप देखने वाले हैं, और अप डाउन्स जो है वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द रिवर क्वीन का, फ्लो लेटिंग गो नेचुरल मूवमेंट। जिन लोगों ने अभी किसी रिश्ते से मूव ऑन किया है या लेट गो किया है पास्ट को, और एक नए रिश्ते की शुरुआत चाहते हैं या एक नए तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप नेचुरल फ्लो में ही आगे बढ़ें और लेट गो करें पास्ट को, और जो कुछ गुजर गया है उससे आप भुला दें। और नई शुरुआत के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपनी लाइफ में वाटर साइन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं लिब्रा, कैंसर स्क्रॉपियो पाइसिस आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आपका फ्रेंडशिप हो या मैरिज प्रपोजल के थ्रू ये पर्सन आए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे और बहुत फिट इनका बॉडी टाइप होगा, और ये बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ कह सकते हैं बहुत ही इमोशनल, काइंड और बहुत ही सेंसिटिव पर्सन आपसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द डेजर्ट प्रिंस का, तो डेजर्ट प्रिंस भी आपकी लाइफ में कनेक्ट हो रहे हैं या कह सकते हैं आ रहे हैं। और ये पर्सन जो है वो डेजर्ट एरिया से हो सकते हैं जहाँ पे डेजर्ट हो, इस तरह से आप इन्हें जान सकते हैं। काफी बोल्ड, ब्यूटीफुल या कह सकते हैं हैंडसम और बहुत ही स्मार्ट पर्सन ये होंगे, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सच्चाई पसंद इंसान होंगे ये। और इन्हें झूठ बोलना या कह सकते हैं इनके साथ झूठे कमिटमेंट जैसी चीजें इन्हें पसंद नहीं है। तो और यहाँ पीछे देख रहे हैं लायन स्पिरिट है, तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इनसे स्पेशली अगस्त के मंथ में आपसे ये मिले। और कुछ लोगों के लिए ये लियो भी हो सकते हैं,
यानी सिंह राशि के पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए द मेटल किंग का है, तो यहाँ इन्होंने मास्क पहन रखा है, तो ये हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आप पे क्रश रखता है, यानी आप किसी का क्रश हैं पर वो आपको बताना नहीं चाहते अभी तक। आप देख रहे हैं ये अंडर कवर है, इन्होंने मास्क हटाया नहीं है, तो वो आपके सामने नहीं आना चाहते, पर दिल ही दिल में उनके अंदर काफी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। 37 नंबर आया है, 3 + 7 = 10 है, तो वो चाहते हैं कि वो आपको एक कह सकते हैं पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं, एक कंप्लीशन की तरह अपनी लाइफ में देखते हैं। और यहाँ शॉर्ट्स भी है, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं पर कुछ चीजें हैं जिसे वो होल्ड करके रखे हुए हैं, सामने नहीं आना चाहते। इस तरह के मेटल किंग भी आपकी लाइफ से ऑलरेडी कनेक्टेड लग रहे हैं, और ये गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए ऐसा हो सकता है। और यहाँ जेंडर स्पेसिफिक कोई नहीं है, तो आप इस तरह से ले लीजिएगा। तो ये पर्सन है, कोई ना कोई है जो आपको दिल ही दिल में चाह रहा है, इस तरह की भी एनर्जीज उनकी यहाँ दिख रही है। और यहाँ फेरीज की तरफ से अगर हम मैसेज कार्ड देखें तो प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, ऑप्टिमिस्टिक, इंथजेस्टिक, क्रिएटिव और एनर्जेटिक। जी, इस तरह की प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग आपके लिए आ सकती हैं, और ये जो है वो स्प्रिंग सीजन में इनका बर्थडे आता हो, इस तरह से आप इन्हें जान सकते हैं। और यहाँ जो मैसेज है, इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डू समथिंग दैट एक्सपेंड योर हॉरिजन्स, लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। जी, आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत बढ़ने वाली है। अगर आप सिंगर, डांसर, राइटर, पेंटर, आर्किटेक्चर, यूट्यूबर, ब्लॉगर हैं, तो आपके अंदर बहुत सारा कह सकते हैं जो आपके क्रिएटिव वर्क है वो बहुत ही टॉप लेवल पे पहुंचेगा, या बहुत आप उसमें बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। और अगर आप जर्नली भी कुछ करते हैं तो उसमें अलग से शाइन करेंगे, बहुत कैरियर के लिए भी अच्छा समय रहेगा, और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी किसी तरह से होगी। और जो अपने सपने आपने देखे हैं, चाहे वो कितने आपको लग रहे हैं कि अभी बड़े हैं, पर वो सपने जो हैं वो किसी तरह से पूरे हो सकते हैं, या उनको पूरा करने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अपने सपनों से गिव अप ना करें, उनके लिए काम करें, ये बहुत सही मंथ होगा आपके लिए उन पे ड्रीम्स पे काम करने के लिए। और ये पर्सन जो आपसे कनेक्ट होंगे वो आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने में भी किसी तरह से हेल्प करेंगे, इस तरह की भी एनर्जीज और गाइडेंस है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ ऐसा लग रहा है लीब्रा, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं जो पर्सन टीचर लेक्चरर हैं, और ये बहुत वाइस हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत ही स्ट्रांग विल पावर वाले पर्सन हैं, और हाई मॉरल वैल्यूज इनकी हो सकती है। और यहाँ जो मैसेज है, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट दैट कम थ्रू मेडिटेशन। जी, आपको यहाँ मेडिटेशन भी सजेस्ट किया गया है, तो ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, और कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपका कनेक्शन बन सकता है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है थ्री ऑफ ऑटमन का, और यहाँ जो मैसेज है, फॉलो योर पैशन व्हेन इट्स कम टू योर कैरियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपैशनेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट। जी, यहाँ से भी यही मैसेज है फ्रेंड्स, जैसा यहाँ से भी था, आपका क्रिएटिव टैलेंट जो है वो आपको नेम, फेम और पैसा काफी दिलवाने वाला है, तो उस पर आप काम जरूर करें। और हो सकता है आप अपने काम के ही सिलसिले में फर्स्ट ऐसे पर्सन से मिले जैसी पर्सनैलिटी आपको बताई गई थी, तो आपका रिलेशनशिप जो है या आपका कनेक्शन जो है वो आपके वर्क प्लेस पे ही बन सकता है, यानी वर्क के थ्रू ही आप अपने लवर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे ही आपका किसी से कनेक्शन बनेगा, इसके चांसेस यहां काफी लग रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड यहां आया है किंग ऑफ विंटर का, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस, फेयर माइंडेड और अनइमोशनल। जी, ये पर्सन भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लग रहा है कि आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, या वो आपसे काफी अट्रैक्टेड हैं, इस तरह का भी यहाँ लग रहा है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा अनइमोशनल लगे कि ये पर्सन भावुक नहीं है, इनके अंदर भावनाएं नहीं है, पर ये काफी डिटरमाइंड है आपको लेकर, इस तरह की भी एनर्जीज उनकी दिख रही है, और ये काफी मेच्योर माइंडेड पर्सन हो सकते हैं। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ ऑशोजन कार्ड से आया है, गिल्ट का, तो हो सकता है लीब्रा आप में से कुछ लोगों ने अभी सेपरेशन फेस किया, या आप अभी काफी खराब सिचुएशन से होकर गुजरे हैं, कुछ लोगों ने खराब एंडिंग को देखा हो सकता है, और इसी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो अब अगस्त के मंथ में गिल्ट फील करने वाले हैं, अपने किए पे पछतावा करते हुए दिख रहे हैं फ्रेंड्स, सॉरी फील कर सकते हैं आपसे। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है पेशेंस का, तो लीब्रा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और आपके लिए सब चीज़ें अपने आप स्मूथ होगी, और आप अपनी एनर्जीज को बहुत हील होता हुआ अनुभव करेंगे, और अपने चक्रास को भी बैलेंस में होता हुआ देखेंगे आप, इस तरह की एनर्जीज है, तो मेडिटेशन यहाँ से भी आपको सजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है इंटेंसिटी, तो लीब्रा आप बिल्कुल नहीं रुकने वाले, अपनी लाइफ में
एनर्जी जो है वो इस तरह से रहेगी कि आप बहुत फ्लो में आगे बढ़ने वाले हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में, अगर आप अभी तक अप डाउन देख रहे थे तो वो भी आपके लिए खत्म होगा, और अगर आप अपनी हर सेक्टर में आप कह सकते हैं बहुत ग्रो करेंगे, और आपकी एनर्जीज बहुत फास्ट मूविंग रहेगी, इस तरह के आप रहेंगे और काफी एनर्जेटिक कॉन्फिडेंस से भरे आप रहने वाले हैं। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड यहाँ से भी आया है द लवर, सो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपके लिए कोई सॉलमेट कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने बताया आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑलरेडी हैं, तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कुछ लोग अपने लिए सॉलमेट अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली अगस्त के मंथ में। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ही एनर्जी के किसी पर्सन से मिलेंगे जो काफी लविंग, केयरिंग और रोमांटिक हो सकते हैं, और एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप उनके साथ फील करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने कह सकते हैं पोटेंशियल लाइफ पार्टनर या सॉलमेट से मिलें, इसके काफ़ी हाई चांसेस यहाँ दिख रहे हैं, जैसा यहाँ से भी लवर्स कार्ड था और यहाँ से भी लवर्स कार्ड है, तो काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि ये मंथ आपके लिए काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है और लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप आपके लिए सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। वहीं हम देख रहे हैं लीब्रा जो सिंगल हैं उनके लिए जो पर्सन आ सकते हैं, उनके इनिशियल्स, जॉडिक साइन और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंथ में, ये भी हम देखेंगे। उनके अगर इनिशियल देखें तो ई नाम से हो सकता है आपके पर्सन का नाम, कुछ लोगों के लिए ई नाम से हो सकता है उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कुछ लोगों के लिए आई या इसे आप एच भी समझ सकते हैं, और दो आए हैं एक साथ, एम नाम से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम, कुछ लोगों के लिए एक्स भी बैक होते हुए दिख रहे हैं, ई नाम से भी आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। और वहीं हम देखते हैं उनकी राशि क्या हो सकती है जो आपसे कनेक्ट होंगे, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, धनु राशि के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं यानी मकर राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, इवन दो आई डोंट शो इट आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस, आप लोगों के बीच में कुछ गलत रहा हो सकता है और इसी चीज को लेकर वो सॉरी फील कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है, ऐसा लग रहा है उनके मैसेज ये हो सकता है आपके लिए। और इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप एंड आई हैव एंगर इश्यूज सो प्लीज गिव मी सम टाइम, यहाँ से भी ऐसा ही मैसेज है कि वो कुछ समय चाहते हैं, उनसे कुछ गलती हुई है, ऐसा मैसेज है। और यहाँ आया है इफ़ आई डिड एनीथिंग राइट इन माई लाइफ इट वॉज वेन आई गेव माई हार्ट टू यू, जी उन्होंने अगर जीवन में अभी तक कुछ सही किया है तो वो दिन जब उन्होंने अपना दिल आपको दिया। और यहाँ से मैसेज है द मोर आई पुश यू अवे ओनली मेक्स मी वॉन्ट यू मोर, जितना वो अपने आप को पीछे धकेलते हैं आपसे दूर होने के लिए उतना ही वो आपके प्यार में पड़ जाते हैं। आर यू हैप्पी विदाउट मी, आपके पर्सन पूछ रहे हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू, फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है जिसका आप पे क्रश है और वो सोच रहे हैं कि वो आपसे कैसे बात स्टार्ट करें, ऐसा भी मैसेज है। और यही सब आपके लिए मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ हैप्पी मंथ लिब्रा।